दिल्ली के महरौली इलाके में सरेआम असिस्टेंट मैनेजर की हत्या कर दी गई। दिल्ली टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर तैनात ब्रिज मोहन पर पहले चाकू और हथौड़े से हमला किया गया और इसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये देखिए तस्वीरें कि कैसे ये शख्स कार में बैठे ब्रिज मोहन पर हमला कर रहा है। लगातार हथौड़े से उन पर वार किए जा रहे हैं और इतनी देर में ये दूसरा शख्स कार में घुस जाता है और इसके बाद क्या कुछ हुआ ये सब आपके सामने है। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात करीब 10:30 बजे ब्रिजमोहन घर लौट रहे थे। घर से थोड़ी दूरी पर ही गली में 2-3 युवकों से किसी बात पर उनकी कहासुनी हो गई और देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि युवकों ने ब्रिजमोहन पर हथौड़े और चाकुओं से हमला कर दिया। इस पर भी जब इन हमलावरों का मन नहीं भरा तो उन्होंने ब्रिजमोहन को गोली मार दी। गोली पेट के नीचे लगी। घायल अवस्था में उन्हें निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां इलाज के दौरान ब्रिजमोहन की मौत हो गई। ये मर्डर क्यों किया गया इसकी वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस मौके से मिली सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली में सरेआम एक असिस्टेंट मैनेजर की हत्या होती है और आरोपी फरार हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि दिल्ली कितनी असुरक्षित है। फिलहाल इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस वाले हमलावरों की तलाश में जुटे हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।